चीज़ आप जवाब दें उससे पहले एक बोल दूं कि अब बस एचईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और बस अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा बायबैक की प्राइस क्या होने वाली है क्या नहीं, तो अनाउंस होगा। देख लीजिए आप, ये ताज़ा तस्वीरें आप सबसे पहले जी बिजनेस पर ही देख रहे हैं। बायबैक को बोर्ड ने मंजूरी तो दे दी, मंजूरी तो देनी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइस है जो सबसे अहमियत वाली कि किस प्राइस पर कितना बायबैक एचईजी करती है, और यही फिफ्टी फाइव मैनेजमेंट बता हंड्रेड रहा है। एक बार आइए सुन लेते हैं मैनेजमेंट, सब जब सीधा लाइव ही बता रहे हैं तो उन्हीं को सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। आइए सुनते हैं एचईजी के मैनेजमेंट को। द होल प्रोसेस ऑफ बायबैक टेक्स एनीवेयर बिटवीन 3 to 3.5 months टाइम, सो वी आर गोइंग टू होल्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू अनाउंस द मीटिंग इन द नेक्स्ट 10 days। The board meeting, the EGM will be held by about end of December, and then whatever time it takes for getting all the SEBI approvals and all, it will take us to somewhere between middle to end March, by which the whole exercise gets over. और So इसमें बता दें this is आपको all about कि the buyback. बायबैक का दाम आ चुका है, Second, 5500 रुपये प्रति शेयर के दाम पर बायबैक किया जाएगा। कुणाल जी चार्ट बताइए फटाफट, हो गया कि देखिए अभी बाकी है कुछ? देखिए अनिल जी, जिस तरह का बायबैक का रेट आ जाने के बाद भी प्राइस का मोमेंटम उस तरह का नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है कि 4600 इसके लिए एक अपवर्ड थ्रेशोल्ड है, तो जिनके पास पुरानी पोजीशन है होल्ड करें, 4600 तक जा सकता है। 4600 पर स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो 4600 का लक्ष्य रखें, और आज का जो डे लो है 4300 उस पर एक स्टॉप लॉस रखें, तो मुझे लगता है ट्रेड बनता है 4600 तक जाना चाहिए, लेकिन 4600 एक मेजर रेजिस्टेंस है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 4300 के नीचे होगा खराब और 4600 के ऊपर होगा बढ़िया। 13,60,000 शेयरों का बायबैक 5,500 के दाम पर। एक चीज समझ लीजिए, बायबैक की साइज तो ठीक ही दिख रही है, 13 लाख शेयर कम नहीं होते हैं एचईजी के लिए। 4,500 रुपये का शेयर है तो ठीक है, तो बायबैक तो ठीक है। इसी के साथ आरएसडब्ल्यू है।